आखिर पैराशूट काम कैसे करते हैं? How actually parachutes work? दोस्तों, आप सभी ने इंटरनेट पर स्काई डाइविंग की वीडियोस तो जरूर देखी होंगी, जिनमें स्काई डाइवर्स पैराशूट की मदद से लगभग 10 से 15,000 फीट की ऊंचाई से जंप लगाते हैं। इस तरह स्काई डाइवर्स को जंप लगाते देख आप रोमांचित जरूर होते होंगे, साथ ही आपके मन में इसको लेकर बहुत से सवाल भी आते होंगे। और इन्हीं सवालों में से सबसे प्रमुख सवाल है कि आखिर पैराशूट काम कैसे करते हैं। तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं हम। इससे पहले कि हम सभी पैराशूट की वर्किंग को जाने, हमारे लिए पैराशूट का इतिहास जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस पैराशूट को आज हम देख रहे हैं उसे सदियों पहले ही डिजाइन कर दिया गया था। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया का सबसे पहला पैराशूट बनाने का श्रेय लियोनार्डो दा विंची को जाता है। पर जब बात पैराशूट से लगाई गई पहली जंप की आती है, तब 18वीं सदी तक कोई भी पैराशूट से जंप नहीं लगा पाया था, जबकि 18वीं सदी में ही पैराशूट के डिजाइन को ट्रायंगल से राउंड शेप कर दिया गया था। हालांकि आज अगर आप देखेंगे तब ज्यादातर मिलिट्री पैराशूट्स राउंड शेप के ही होते हैं, जबकि स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाले पैराशूट का शेप रेक्टेंगुलर होता है, जिन्हें नायलॉन से बनाया जाता है। जब आप एक गेंद को हवा में उछालते हैं तब वो गेंद हमेशा ही जमीन पर आकर गिरती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। आप सभी ने हमेशा अपने स्कूल में सुना होगा कि अर्थ की ग्रेविटी पूरी दुनिया में एक समान होती है, जिस वजह से अगर आप एक वजनी पत्थर और एक हल्के पंख को बहुत ही ऊंचाई इमारत से नीचे फेंकेंगे तब ग्रेविटी दोनों पर सेम रेट के साथ काम करेगी। हालांकि यह तभी संभव हो पाएगा जब धरती पर हवा ना हो, वरना हवा की मौजूदगी में यह संभव नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पंख पर एयर रेजिस्टेंस काम करेगा, जो उसे धरती पर बहुत ही धीमी गति के साथ पहुंचाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये एयर रेजिस्टेंस क्या है और ये किस कारण से होता है। तो दोस्तों, एयर रेजिस्टेंस एक फोर्स है जो हवा के कारण उत्पन्न होती है। ये फोर्स विपरीत दिशा में काम करती है, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट हवा में तैर पाता है। हवा भले ही अदृश्य हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये होती ही नहीं है। धरती का एटमॉस्फेयर गैस मॉलिक्यूल से भरा होता है, जिस वजह से अगर आप किसी भी साधन के जरिए हवा में मूव करना चाहते हैं तब आपको उन्हें रास्ते से हटाना होगा। हम इस सब को तभी नोटिस कर सकते हैं जब हम गति के साथ चल रहे हैं। एयर रेजिस्टेंस हमारे ऊपर बहुत हद तक वैसे ही काम करती है जैसे पूल में तैरते समय पानी हमारे शरीर को उल्टा धकेलता है। यदि आप डाइविंग बोर्ड से कूदते हैं या फिर बेली फ्लॉप करते हैं तो आपके शरीर का अजीब आकार बहुत अधिक रेजिस्टेंस पैदा करता है और पानी में तेजी से गिरने से आपको बहुत हद तक रोक देगा। लेकिन अगर आप अपनी बाहों के साथ एक तेज नोकीला आकार बनाते हैं और गोता लगाते हैं तब आपका शरीर आसानी से पानी को काट देगा, और जैसे ही आप पानी में प्रवेश करेंगे आप तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे। इस सबसे एक बात साफ होती है कि जब आप पानी में कूदते हैं तब आपका शरीर तेजी के साथ धीमा हो जाता है, क्योंकि उस समय पानी इतने तेजी के साथ बाहर निकल पाता है। लेकिन जब आप गोता लगाते हैं तब आप पानी को अपने सामने आसानी से काट देते हैं, जिससे कि आपका शरीर आसानी से उससे निकल सके। इसी तरह पैराशूट के साथ भी हमें ये स्लोइंग डाउन इफेक्ट चाहिए पड़ता है। दोस्तों, अगर आप बिना पैराशूट के साथ किसी विमान से कूदते हैं तब आपका कॉम्पैक्ट शरीर पत्थर की तरह हवा में झूमता है और गति के साथ नीचे गिरता है। पर जब आप पैराशूट के साथ किसी विमान से जंप करते हैं और हवा में अपना पैराशूट खोलते हैं तब आप ज्यादा एयर रेजिस्टेंस पैदा करते हैं और बहुत ही धीरे धीरे सेफली जमीन पर पहुंच जाते हैं, बिल्कुल पंख के जैसे ही। जब फोर्स किसी चीज को पुल करती है तब वो उस चीज को और ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ाती है, जिससे वो चीज ज्यादा स्पीड गेन कर लेती है। शायद ही आपको इस बारे में जानकारी हो कि अन्य फोर्सेस की तरह ही ग्रेविटी भी किसी गिरने वाली चीज को केवल एक निश्चित पॉइंट तक ही तेज करती है। दोस्तों, इस बात को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि आप एक विमान से नीचे कूदते हैं तब आपको हर एक सेकंड में 10 मीटर की गति के साथ नीचे गिरना चाहिए, पर अगर आप जमीन से बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर थे तब महज 100 सेकंड के बाद ही आप थ्योरेटिकली लगभग 1000 मीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे गिर रहे होंगे, जो बहुत ही ज्यादा तेज होगा। हालांकि प्रैक्टिस के दौरान ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिस के समय जब आप प्लेन से जंप करते हैं
तब लगभग 12 मिनट बाद ही आप उस स्पीड तक पहुंच जाते हैं जहां एयर रेजिस्टेंस की फोर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो ग्रेविटी की फोर्स को बैलेंस कर देती है। शायद ही आपको इस बारे में पता हो कि इस पॉइंट पर आते आते आपके ऊपर कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं होता और यही वजह है कि आप एक स्टेडी स्पीड के साथ नीचे गिरते हैं, जिसे आपकी टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। खैर, बदकिस्मती से बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे किसी प्लेन से गिर रहे एक इंसान की टर्मिनल वेलोसिटी करीब 55 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि वैसे ही इतनी ज्यादा तेज है कि उससे किसी इंसान की जान जा सकती है। इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक पैराशूट नीचे गिरते वक्त हमें कितना धीमा कर सकता है। अब जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि एक पंख पत्थर के मुकाबले ऊंचाई से इसलिए धीरे गिरता है क्योंकि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होती है। कुछ इसी तरह पैराशूट से कूदते वक्त हमारे साथ भी ऐसा होता है क्योंकि ये एयर रेजिस्टेंस को बढ़ाकर हमारी टर्मिनल वेलोसिटी को कम कर देता है। दोस्तों, आज के समय में पैराशूट को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी को लगभग 90% तक कम कर देता है, जिस वजह से आप धीरे धीरे जमीन की तरफ बढ़ते हैं और उस दौरान आपकी स्पीड करीब 5 से 6 मीटर प्रति सेकंड की होती है, जो कि आपको जमीन पर सही सलामत लैंड कराने के लिए काफी है। खैर, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर लैंडिंग करते वक्त आपका पैराशूट खुला ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? आपको इस बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैराशूट के बैकपैक में सिर्फ एक सिंगल पैराशूट नहीं होता, बल्कि उसमें 3 शूट्स होते हैं, जिनमें से एक रिजर्व पैराशूट भी होता है, जिसे FAA जैसी सर्टिफाइड स्काई डाइव रिगर द्वारा मेंटेन और पैक किया जाता है। आज के पैराशूट्स में ऑटोमेटिक एक्टिवेशन डिवाइस लगा होता है, जो कि एक तरह का एनक्लोज्ड कंप्यूटर होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब एक निश्चित ऑल्टीट्यूड पर आने तक आपका मेन पैराशूट ओपन नहीं होता, तब यह कंप्यूटर अपने आप रिजर्व पैराशूट को खोल देता है। खैर, इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस तरह का मैलफंक्शन बहुत ही ज्यादा रेयर है। पैराशूट बनाने वाली कंपनियों की माने तो उनके हिसाब से ऐसा सिर्फ 1000 में से एक जंप में देखा जाता है, और यह भी जरूरी नहीं है कि हर 1000 जंप में ऐसा ही हो, क्योंकि आज तक ऐसी बहुत ही कम घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। इन सभी बातों के अलावा एक और चीज जो पैराशूट की वर्किंग में अहम रोल प्ले करती है, वो है पैराशूट का साइज। जी हाँ, पैराशूट का स्लो फॉल उसके साइज पर सबसे ज्यादा मैटर करता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो अगर आपका पैराशूट छोटा है तो वो बहुत ही जल्दी आपको जमीन पर लैंड करा देगा, पर अगर आपका पैराशूट आकार में बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो वो बहुत ही धीरे धीरे नीचे आएगा, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा पैराशूट होगा उतने ही ज्यादा एयर रेजिस्टेंस या कहें ड्रैग फोर्स होगा। हालांकि पैराशूट का साइज इंसान या वस्तु के वजन पर निर्भर करता है, क्योंकि ज्यादा वजनी इंसान या वस्तु के लिए छोटे पैराशूट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वरना इससे उसकी वर्किंग चेंज हो जाएगी और आप हल्के इंसान के मुकाबले ज्यादा तेजी से नीचे आएंगे। तो दोस्तों, ये थी नॉलेज से भरी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।